इस समय में आपकी सरकार देखना चाहता हूं। मंदिर जाती है बहू और सास दोनों, तो सास अपने लिए वरदान मांगती है और बहू अपने लिए। मैं भी गुणवाला गणतंत्र पार्टी बनाया हूं तो किसी और के लिए नहीं, गुणवाला के लिए, क्योंकि इनको हमने 70 साल देखा। कंगाल हो गए, माल गुजार का परिवार मजदूरी करने जा रहा है, मुकरदम का परिवार मजदूरी करने जा रहा है। जो पहले सरपंच रहे उनका परिवार मजदूरी करने जा रहा है, और मनरेगा में 10 दिन का भी काम नहीं। कल मैं चूंकि हमारा आदमी चुनाव लड़ता है तो एक शिष्य को ऋतु पंद्राम को मैंने मरवाही से दिया है। कल उनके साथ मैं दौरा कर रहा था, SDM उनको नोटिस देता है कि आपने गोदाम का चाबी नहीं दिया। मैंने जय मां दुर्गा कंपनी को स्वीकृत कर दिया है, जबकि उनका आवेदन आता है ताजा चाबी मांगने का 8 तारीख, और 5 तारीख को नोटिस निकालता है। आज मैंने उनको हाई कोर्ट जाने के लिए बोला था, वो धारा 40 दिखाता है, सस्पेंड कर देंगे, आप 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस लड़की को इंटरनेशनल कृषि अनुसंधान में MSc है, कुमारी है। नासिक में सम्मान किया गया, पुणे में सम्मान किया गया, और अभी आपका स्मार्ट इंडिया के मामले में दिल्ली में बुलाया गया, पूछा गया कि स्मार्ट भारत के बारे में आपको क्या कहना है, तो चूंकि दादा की स्पीच को बड़ी बारीकी से सुनती है, उसने सीधा सीधा बोला, जब तक के खेत स्मार्ट नहीं होगा, जब तक किसान स्मार्ट नहीं होगा, जब तक गांव स्मार्ट नहीं होगा, जब तक नदियां स्मार्ट नहीं होगा, जब तक पहाड़ और जंगल स्मार्ट नहीं होगा, दिल्ली स्मार्ट नहीं हो सकता। हालत खराब हो गई ना, कहां की लड़की है, कहां से बोलती है, वो तो पता लगाते हैं कि कौन है। हम SDM को नचा देंगे इस समय, तुम्हारे धारा 40 क्या होता है, ये पंचायत राज अधिनियम है। अभी वहां चल रहा था छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था कि आपके 14वें वित्त आयोग का 70% सरकार मांग रही, सब सरपंचों ने पटा दिया। अचानक मैं पहुंच गया जोगी डोंगरी, बोले दादा मेरे यहां 12 लाख आया है और 8 लाख मुझे देना पड़ेगा, 4 लाख में क्या काम करूंगी। तो मैंने कहा तू तो सरकार है, त्रिस्तरीय पंचायत राज में ग्राम पंचायत भी एक सरकार है, जनपद पंचायत भी एक सरकार है, और जिला पंचायत भी एक सरकार है। मैंने कहा देख हम फिर चुनाव लड़ेंगे, सस्पेंड कर देगा, बर्खास्त कर देगा, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। हमने लिखवाया पत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, 5वें दिन मुख्यमंत्री बोलता है मैं सबके पैसा वापस करता हूं भैया। लड़ने की हिम्मत नहीं करते। मैं अभी इस दिन वो बोलता है कि कहीं भी चले जाओ, वो तो आज बड़े गुड्डा रायपुर गए हैं, नहीं तो आज ही फाइल कैबिनेट फाइल करवा रहा हूं कि कुछ भी करने के पहले मेरा सुना जाए। अरे मैंने कोई गलती नहीं किया, अब तू धारा 40 का धौंस देता है, तू गुंडा राज चलाना चाहता है क्या, ये तो संविधान का राज चलेगा ना। तो अधिकारियों से लड़ने की हिम्मत करो, कौन सरपंच बनेगा, हमारे भाई बनेगा। और जब आपका दादा का 1,000 कार्यकर्ता यदि एक जिला पंचायत क्षेत्र में है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि संपूर्ण दुकान तुम्हारे होंगे, संपूर्ण जनपद सदस्य तुम्हारे होंगे, जनपद अध्यक्ष तुम्हारे होंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी तुम्हारे होंगे।